नमस्कार मित्रों, मैं आपको अकबर बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है, जिससे आपका कॉमन सेंस बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बीरबल की होशियारी और हाजिर जवाबी में कोई जानी नहीं था। गरीबों से बीरबल को बड़ी हमदर्दी थी और वे उनकी मदद करने के कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यही कारण था कि गरीबों और आम जनता के बीच बीरबल बहुत लोकप्रिय थे। एक बार बादशाह का एक नौकर भागता हुआ बीरबल के पास आया और उनके माथे से पसीना टपक रहा था और उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत ही परेशान है। क्या हुआ सीताराम? बीरबल ने उनसे पूछा। उसने बताया, कुछ दिनों पहले बादशाह सलामत ने मुझे एक तोता दिया था। वह तोता बादशाह सलामत को एक ऐसे फकीर ने तोहफे में दिया था जिसे वे बहुत मानते थे। उनका हुक्म था कि तोते की देखभाल में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उस तोते के मर जाने की खबर सुनाएगा उसे वे फांसी पर लटका देंगे। और अब वह तोता मर गया, यही ना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, आपको कैसे पता चला? सीताराम ने आश्चर्य से पूछा। हुजूर, मुझे बचा लीजिए, मेरी भरसक कोशिश के बाद भी वह तोता अचानक बीमार पड़ गया। इसके पहले कि मैं हकीम साहब से उसके लिए दवा ले आ पाता, वह मर गया। तू तो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन मेरी जान सामत में डाल गया। अब मैं बसा के गुस्से से कैसे निपटूंगा? सीताराम एक ही सांस में कहता चला गया, तुमने ठीक से देख लिया ना कि वह मर गया? कहीं ऐसा ना हो कि वह झपकी ले रहा हो और तुमने समझ लिया कि वह मर गया? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, वह जिंदा नहीं है, यह बात पक्की है। कर लेने के बाद ही मैं आपके पास आया हूँ, सीताराम ने बताया। अब बीरबल गंभीर हो उठे। सीताराम को बोलो भरोसा दिलाते हुए बोले, चिंता यही छोड़कर सुकून के साथ घर जाओ, बादशाह को उस तोते के मर जाने की खबर मैं सुनाऊंगा। सीताराम को बीरबल पर अटूट विश्वास था। उनके कहने से उनकी सारी चिंता दूर हो गई और उन्हें नमस्कार करके अपने घर चल गया। बाद में बीरबल भी निश्चित समय पर बादशाह के दरबार में जा पहुँचे। उस दिन बादशाह अच्छे मूड में दिख रहे थे। उपयुक्त मौत का समझकर बीरबल बादशाह से बोले, बंदा परवर, मैं आज ही उस तोते को देखने गया था जो आपको फकीर साहब ने तोहफे में दिया था। सच वह फकीर साहब का तोता भी किसी फकीर से कम नहीं है। जब मैं उसके पास गया तो गंभीर मुद्रा में लेटा हुआ विचार कर रहा था। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरानी से बोले, तुम जो कुछ कह रहे हो, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह हुआ तोता जरूर कोई अजूबा होगा जो फकीरों की तरह सोचता है। यह कहकर बादशाह बीरबल और दूसरे दरबारियों के साथ उस तोता को देखने के लिए नौकर सीताराम के घर की ओर चल दिए। वहाँ पर उस तोते को देखते हुए समझ गए कि तोता मर चुका है। वे बीरबल से बोले, कोई भी इस तोते को देखकर समझ सकता है कि यह तोता मर चुका है। तोते के मरने की बात आप ही कह रहे हो हुजूर, मैं नहीं, बीरबल बड़े अदब से बोले। बादशाह कुंवर चौंक गए। तभी उन्हें याद आया कि तोते के मरने की खबर देने वाले को उन्होंने क्या सजा देने की बात कही थी। तभी बीरबल ने फिर से कहा, हुजूर, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। फिर इस बात पर किसी को सजा देने की क्या ज़रूरत है? बादशाह बीरबल के झूठ बोलने का कारण समझ चुके थे। वे बोले, सीताराम को माफ़ करता हूँ, उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, मुझसे सीताराम की जान बख्शवाने का इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान को दबा ले और ऑल का चयन कर ले, जिससे आने वाली इसी तरह के वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।